तामिम नाज़रीन, कमर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं, कमर साहब हमें कोई ऐसी जगह बताएं जो आउटिंग के लिए हो, वीकेंड एंजॉय करने वाली हो, हॉलीडे एंजॉय करने वाली हो, जहां पे हम जाके अपने अपने आप को रिलैक्स कर सकें, स्ट्रेस लेस हो सकें, जहां पे बहुत सी हमारी टेंशनें होती हैं माइंड के अंदर, हम वहां पे जब बिल्कुल रिलैक्स हो माहौल, वो क्या है, वो है नेचर। आप इतना नेचुरल के करीब जाएंगे, नेचर के करीब जाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होता है, चाहे वो पानी हो, ग्रीन हो, पहाड़ हो, कैसी भी जगह हो, जो नेचुरल चीज़ है वो उसमें सुकून आता है। इवन के अगर आप एक गांव में जाते हैं, गांव में खेतों में जाते हैं, फसलों में जाते हैं, तब भी आपको बहुत बहुत सुकून आता है। आप वहाँ पर ट्यूबवेल लगे होते हैं, लोग वहाँ पर भी इंजॉय करते हैं, वहाँ नहाते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं, उस पानी से इंजॉय करते हैं, वहाँ की जो खुशबू आती है, वहाँ पर जो खेत है उसे भी इंजॉय करते हैं। इसी तरह नेचर से कहीं भी आपको नेचर चीज़ नज़र आती है, उसके करीब जाएंगे तो आपको सुकून आएगा, क्योंकि वो उसकी खामोशी, वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के परिंदे, वहाँ पे जानवर जो आपको दिखाई देते हैं, आपको उनकी आवाज़ें आती हैं, पानी के वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे जो एक सुकून आता है, वहाँ का वेदर होता है, मौसम होता है, हवाएँ, खुशबू, वहाँ का जो आसमान है, ये सब चीज़ें जो है ना, वहाँ की हवाएं जो है ये आपको रिलैक्स करती हैं। जो हम लोग अपने दुनियावी मामलात के अंदर, शहरों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ करके बहुत ज़्यादा अपने आप को हैक्टिक कर देते हैं। तो नाज़रीन, मुझसे ज़्यादा बहुत बार पूछा गया, तो डेट्स वाई मैंने फिर उसके लिए एहतमाम किया। ये है पाइन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है। पाइन सिटी जो है मोनाल से आगे हाईलैंड है, हाईलैंड से तकरीबन कोई 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही साथ ही एक ये एरिया बनता है पाइन सिटी। पाइन सिटी बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल होता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर प्लॉट दिया जाता है, और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट का साइज़ 1 एकड़ है। यहाँ पे बेशुमार लोगों ने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे बंगलोज बना लिए हैं, फार्म हाउस के साथ साथ बंगलोज बनाए हैं, घर बनाए हैं, हट्स बना रहे हैं, और साथ आबशारें चल रही हैं, साथ रहने का अहतमाम कर लिया है, पहाड़ है, गहराई है, ऊंचाई है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत सुकून है, इतना सुकून है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो मेरे लिए क्या है, हम सब के लिए क्या है, कि वो सिर्फ इस्लामाबाद से सिर्फ 35 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है, यानी कि ये कोई ड्राइव नहीं है। आप 0 पॉइंट से गुलबर्ग जाते हैं, आप 0 पॉइंट से किसी और ऐसी सोसाइटी पर जाते हैं, तो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। बहरे जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, डीचे जाते हैं तब भी आपको 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 35 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आपको ये एक खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, खूबसूरत आपको वो चीज़ जो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं खुद बाय माई सेल्फ, मैं जब स्ट्रेस में आता हूँ, जब मैं कोई टेंशन में आता हूँ, सोचता हूँ कि यार मैं रिलैक्स होना चाहिए मुझे, तो मैं बजाय कि मरी निकलने के कहीं और साइड पर जाने के, मैं वहाँ पर पाइन सिटी जाता हूँ, वहाँ बहुत सुकून मिलता है। नाज़रीन, मैंने अपनी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना भी प्लॉट वहाँ पे बाय किया हुआ है। आप भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको भी फ़ायदा होगा। उसके लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। मेरी पूरी एक टीम है जो इस पर काम कर रही है, और हम लोग आपको इसके बारे में बेहतर गाइड कर सकते हैं। हमारे बहुत जल्द जो है 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, यानी कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप उसको भी दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको अवेल कर सकें, अभी बहुत रेट मुनासिब है, और मज़े की बात ही वहाँ पर CCTV कैमरे लग चुके हैं, रोड्स कुशादा हो चुकी हैं, वहाँ पे लाइट्स का इहतमाम कर देंगे, रोड लाइट्स के ऊपर, और ग्रीन एरिया को फर्दर ग्रीन किया जा रहा है, क्योंकि जब वो रोड्स बनाते हैं तो उसके ऊपर जो दरख्त काटे जाते हैं, उसके जो गलियात के साथ जो उनका एग्रीमेंट है उसके अंदर, वो एक दरख्त काटने में 5 दरख्त लगा रहे हैं। तो इस मीन्स के वहाँ पर रहने के लिए सिक्योरिटी वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है, प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पर बाकायदा, वहाँ पर होटल्स ओपन हो चुके हुए हैं। ये पाइन सिटी की ही हदूद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है, वहाँ पर लाल किला आ रहा है, ट्यूलिप रेस्टोरेंट आ रहा है, गोल्फ क्लब आ रहा है, पोलो क्लब आ रहा है, वहाँ पे जो जिमनीजम आ रहा है, यहाँ पे जितने भी उसे क्लब होते हैं जिसके अंदर स्नोकर वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने आपको बिल्कुल रिलैक्स भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, फैमिली के साथ जाएं, आउटिंग करें, घूमें फिरें, और वहाँ पे जो कुदरती मनाजर हैं उसको से लुत्फ़अंदोज़ हों, वहाँ पे जो आबशार हैं उसको आप इंजॉय करें, वहाँ पे आप बारबेक्यू करें, वहाँ पे तमाम करें, वहाँ पे जाके आप हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें, ट्रैक्स के ऊपर हाइकिंग करें, आप इस तरह की और भी कई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में जाएँ, अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, जाके पॉइंट पर रुकें, वहाँ पर इंजॉय करो, वापस अपनी गाड़ी पर वापस आ सकते हैं। सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी गाड़ी भी वहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको वहाँ पर गाड़ी की जरूरत पड़े वहाँ पर आपको गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी जाती है।
इसके अलावा भी बहुत सी मुनासिब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जा रही हैं आने वाले कल के अंदर। बहुत इसके अलावा बहुत कुछ है, मस्जिद वहाँ पे रेडी है माशाल्लाह, वहाँ पे अपार्टमेंट्स रेडी हो चुके हैं, अपार्टमेंट्स तैयार भी किए जा रहे हैं, जो लग्जरियस अपार्टमेंट है वहाँ पे, और नज़ारों से भरपूर है तो सारा एरिया जो है। जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा, आप हमें बताएं, हमें गाइड, हम आपको गाइड करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, आपको वहाँ पे जिस जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट है चाहते हैं उस नोयत के आपको इन्वेस्टमेंट लेके देंगे। टॉप ऑफ द रैंक जाना चाहते हैं आप, मिड में जाना चाहते हैं आप, डाउन जाना चाहते हैं जिसके अंदर गहराई में जाना, पानी हो, जंगल व्यू हो सारा, वो देखना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो एक ऐसा प्लेस है जो एक बड़े एक शौकीन सा जो दो सबाब होते हैं जो वहाँ पे ख्वाहिश रखते थे हमें को ऐसी जगह मिले, वो भी इतनी करीब, आप जाएं घूम के वापस आ जाएं, आपको फील नहीं होगा कि आप कहीं दूर गए थे, ये वो कुछ भी नहीं। मरी भी जाते हैं तो यहाँ से 1.5-2 घंटे का सफ़र होता है, आप इस्लामाबाद से जाते हैं फिर वहाँ से जाके हेक्टिक होकर वापस थक के हार के आप वापस आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप जाएँ आप 2 घंटे में इंजॉय करके वापस भी आ सकते हैं, और बिल्कुल करीब है, दूर भी नहीं है, और हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर, खाने पीने के मामले में भी हर चीज़ अवेलेबल है। इंशाल्लाह ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपको बता रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन किया है मैंने ये इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्म किया जा सके। बेशुमार दोस्त अहबाब है जो मुझे कॉल करते थे, पूछते थे मुझसे, तो मैं ये मेरे फिर वीडियो के थ्रू मैंने कहा चले आप मैक्सिमम दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंपनी के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड की जा सकती है, आप जरूर कॉन्टैक्ट में आइए, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो आर्म फोर्सेज में हैं, या डिफरेंट बेचारे जॉब के अंदर हैं, जो अपने घर पर छोड़ के डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और दूर दराज रहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अब वो इंजॉयमेंट के हवाले से जू भी वहाँ पर बन चुका हुआ है, और भी फर्दर के अंदर बहुत से जानवर लाए जा रहे हैं, वो भी ऑनग्राउंड आपको नज़र आ सकते हैं, तो यानी कि वहाँ पे इंजॉयमेंट के हवाले से बेहतरीन प्लेस है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। कमर सलाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।